सर इसका स्टॉप है यार, उसकी दवाई का वक्त हुआ हुआ, उसको दवाई दो सर, उसको बता दिया डॉक्टर स्टॉप आ गया। नहीं सर, उसके इशारे पे जाने का टाइम है। ओए ओए, इंजेक्शन पूरे नहीं हुए डॉक्टर, दवाई जाके सीट पे बैठ। नहीं नहीं, तुझे शुरू में भी टीके लग चुके हैं पर असर कोई नहीं हुआ। सर ये बस में चढ़ते हुए बोलता हूँ, मुझे बता देना ब्रश। सर टीके भी जानवरों वाले लेके घूमते रहते हैं, पता नहीं इंसानों के डॉक्टर हैं या जानवरों को पता है ना लगाना किसको है। अच्छा, ओह माय गॉड। हाँ जी पर सर कल ना सलमान गंदे नाले के पास खड़ा बहुत ज्यादा रो रहा था। मैंने इसे पूछा क्यों रो रहे हो, कहता असद की बड़ी याद आ रही। मैंने कहा असद की क्यों याद आ रही, कहता उसके पास भी ऐसी बू आती थी। बहुत आला खदीजा, तुम भी इनके साथ मिल रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हंसी मत रोको, तुम भी इस गंदगी में शामिल हो गई हो, मुझे बहुत खुशी हुई। पहले तो शर्म कर ले, शर्म कर ले, एक्सेप्ट करना सीख जा। आती है तो बोल रही है ना वो, जब शो में आता हूं शर्म तो बोल रही है वो। तुम्हें और कोई बात नहीं आती, यही कही जा रहे हो गंदगी गंदगी। मैं बातें कर रहा था, मुझे शीशा तो नहीं देख रहे हैं। मैं बातें कर रहा था, मुझे बोलो। लगी तुझे नहीं है, लेकिन तकरीबन तू बीच में इन्वॉल्व सर, मतलब खतीजा के पास से नाले की वो आती है। तुम काफी हद तक इन्वॉल्व थे। अच्छा सर, मतलब बताना ये चाह रहे थे कि मुझे नाले की बू खतीजा के पास से आ रही थी, तो मैं को असद याद आ गया, ये कहना चाह रही थी वो। हाँ गटर की बू तुम्हारे पास से आ रही थी मतलब, मुझे है जी, समझ गया। एक बात मैं बोलती हूँ, दो बातें बोलो, दो बोलो, दो बोलो। अक्सर असद जो है ना वो अच्छी जुगत मारता है, ठीक है, यहाँ से हमारा नबील उसका स्टाइल ही जरा अच्छा है ना, वो जुगत बहुत प्यार से बताता है। तो तुमने मुझे अच्छा बोला, सलमान पता क्या करता है, जब यहाँ से माहौल गर्म हो जाता है ना तो सलमान ही पीछे से फूदक के बाहर आता है। कल हो गया था, कल हो गया था, कल हो गया था। सलमान से एक सवाल है आपको, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल कुरैशी। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा।